Assalamu alaikum. Today our topic presentation is 2D transformation. Firstly, we have to understand what is transformation, and then the vertices, matrices with vectors, how we can use matrices with matrices, then translation, rotation, scaling, and other transformation techniques जो कि हमारे पास हो सकती हैं, जिसमें reflection and shear भी include है. So हम start करते हैं transformation से. Basically transformation होती क्या है. So ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम करते क्या है कि चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चेंज करें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, आप उसके साइज को चेंज कर सकते हो, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, यानी आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो. सो हम इन फॉर्म्स को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से. ट्रांसलेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है. जस्ट ट्रांसलेशन में हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं. रोटेशन अगर हम देखें तो रोटेशन बेसिकली सर्कुलर मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. एंड स्केलिंग में हम लोग चेंज करते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब वो जो साइज है वो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. वर्टिसेस अंडरस्टैंड करते हैं. वर्टिसेस क्या है, वी हैव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वर्टिसेस एज एक्स कॉमा वाई. हमेशा एक वर्टेक्स जो हम जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. और इसी तरह से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को राइट अप करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं. फर्स्ट अगर आप देखें तो x, y, एंड हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें हमने x और y डिफाइन कर लिया. एग्जांपल 2.1 रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को एंड 4.8 रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, एंड आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन मैट्रिक्स विद वेक्टर्स. मैट्रिक्स को हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले कि मैट्रिसेस वेक्टर्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई हो सकती हैं या यूज हो सकती हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में फर्दर ये कॉन्सेप्ट्स रियलाइज होंगे. सो हमारे पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एंड हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एंड वाई को. सो जब भी आप इन टर्म्स को मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास इक्वेशन बनेंगी. इक्वेशंस किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने ए बी जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई किया, ए को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, एंड देन आपने बी को मल्टीप्लाई किया वाई के साथ, एंड देन आपने इसको एड अप कर दिया तो आपके पास इक्वल्स टू एक्स प्राइम की इक्वेशन बनी. एंड वाई प्राइम इक्वल होगा सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू वाई. सो मैट्रिक्स विद वेक्टर्स इस तरह से यूटिलाइज हो सकते हैं. नेक्स्ट मैट्रिसेस विद मैट्रिक्स. मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स किस तरह से यूज होंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास टू रोज एंड टू कॉलम्स है मैट्रिक्स के, ए के भी एंड बी के भी. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सो ए मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एक्स के साथ प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, क्योंकि ए एंड बी रो एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड जी कॉलम एलिमेंट्स हैं. देन एडअप करेंगे एंड देन यही हमारे पास जो रो है ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ ए विद वाई प्लस बी विद डब्ल्यू. एंड इसी तरह से आप सेकंड रो को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि बेसिकली मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से हो सकती हैं. सो ये कुछ आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं. ए एक्स आपने इसको कंप्यूट करना है कि ए को एक्स के साथ जब बी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे, एंड ए को जब आप बी के साथ करेंगे डायरेक्ट क्या रिजल्ट आएंगे, एंड ए को जब आप आई के साथ करते हो, आप कोई भी मैट्रिक्स या कोई अदर पॉइंट लेके तो आप किस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हो. सो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसलेशन. सो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें सो ट्रांसलेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, repositioning an object along. So translation basically हमारे पास repositioning an object along a straight line path. Translation में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक point है या जो object given है, ठीक है, उस object को हम just reposition करते हैं, उसकी position change करते हैं, उसका size increase या decrease नहीं करते. From one coordinate location to another coordinate, एक coordinate की एक coordinate में एक location से हम उसको second location पे move करते हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करे ये ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, P, जिसके आपके पास x एंड y कोऑर्डिनेट x एंड y एक्सिस में जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलके बना है, एंड देन x प्राइम एंड y प्राइम रिप्रेजेंट करता है आपके पास ये पॉइंट ट्रांसलेशन होने के बाद जो बनेगा आपके पास, देन हम इसको कह सकते हैं कि ये P प्राइम है. बट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग इस पॉइंट से जब ये पॉइंट हमने रिपोजिशन करना है, इसकी पोजिशन को चेंज करना है, तो ये पॉइंट एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है. अब ये पॉइंट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्टेंस से आपको पता है कि एक पॉइंट में एक्स एंड वाई एक्सिस बहुत इंक्लूड होते हैं, सो ये एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करता है एंड ये वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है. सो यहाँ पे हम दो वेक्टर्स डिफाइन कर देंगे जिसे हम कह देते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर्स और ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस.
which is tx and ty. Tx related है x coordinate से and ty हमारे पास related है y coordinate से. So x point जो है वो tx distance travel करके x point बनेगा and आपके पास जो y coordinate है वो ty distance travel करके y coordinate बनेगा. Translation basically rigid body transformation है. Rigid body transformation हमारे पास क्या है कि हम basically location of जो shape है वो तो change करते हैं इसके अंदर, but हम क्या करेंगे कि साइज चेंज नहीं करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का. फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है और आपने उसको ट्रांसलेट करना है. सो रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा आपके पास कि आप उस शेप की लोकेशन को तो चेंज करेंगे बट वो रिजिड बॉडी है सो आप उसके साइज को चेंज नहीं करेंगे. ऑब्जेक्ट्स आर मूव विदाउट डिफॉर्मेशन. आपने उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म नहीं करना, उसकी डिस्पोजिशन को चेंज करना है. एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड बाय द सेम पॉइंट. आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक शेप है ट्राइंगल है, आपने उसको ट्रांसलेट करना है. सो ट्राइंगल में आपके पास गिवन 3 वर्टिसेस हैं. सो हर पॉइंट को आप जो ट्रांसलेट करेंगे वो सेम अमाउंट से ट्रांसलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट है P1, जो भी आपके पास वर्टेक्स 1 है उसमें x एंड y कोऑर्डिनेट बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो आप जब इस x के लिए जो ट्रांसलेशन डिस्टेंस ट्रांसलेशन वेक्टर यूज करेंगे वही ट्रांसलेशन वेक्टर आप V2 के लिए एंड V3 के लिए यूटिलाइज करेंगे. क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन वेक्टर चेंज कर देते हैं तो आपकी शेप जो होगी ट्रायंगल जो शेप होगी वो डीफॉर्म हो जाएगी, वो एक्चुअल ट्रायंगल नहीं रहेगा. हमने ट्रांसलेशन में जस्ट करना क्या है कि जस्ट हमने उस ट्रायंगल की पोजीशन को चेंज करना है, उसकी शेप चेंज नहीं करनी. सो एक्स एक्सिस में भी आप जो टी एक्स लेंगे वो टी एक्स तीनों वर्टिसेस के लिए यूज होगा एंड वाई के अकॉर्डिंगली भी जो आप टी फाइ लेंगे वो 3 वर्टिसेस के लिए यूज होगा. टिपिकली ऑल द एंड पॉइंट्स आर ट्रांसलेटेड. इसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं शेप में वो बेसिकली ट्रांसलेट होते हैं एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो रीड्रॉ हो जाता है यूजिंग दोज न्यू एंड पॉइंट पोजीशंस. इसी तरह से आपके पास जो वो वर्टिसेस थी वो वर्टिसेस ट्रांसलेट हो जाएंगी किसी और पोजीशन पे एंड देन उन वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट रीड्रॉ होगा जो हमारे पास बेसिकली न्यू पॉइंट्स आए थे उन वर्टिक्स से रिलेटेड. सो here the tx and ty are the translation distances or the translation vectors for point p x y aapke paas coordinates hain. After translation aapke paas yahi point jo hai wo p prime ban jayega jiske andar x ke x jo point hai aapke paas wo x prime and y prime ban jayega. x prime is equal to x plus tx. abhi aapke paas equations hain translation ki, so aapke paas yahan pe jo x exist kar raha hai ye x aapke paas original point aapke paas jo shape hai p aapke paas jo shape hai usme jo vertex 1 hai usme aapke paas x axis coordinate bhi exist kar raha hai y coordinate bhi and ye jo x and y points hain ye aapke paas original points hain and tx aapke paas wo distance hai jo wo point travel kar raha hai and isi tarah se ty bhi aapke paas wo distance hai. जब आप अपने ओरिजिनल पॉइंट में डिस्टेंस ऐड अप करेंगे सो आपके पास न्यू पॉइंट जनरेट होगा एज x प्राइम एंड y प्राइम. x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस tx एंड y प्राइम इज इक्वल टू y प्लस ty. सो इसी इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास p प्राइम इक्वल है p प्लस t के. p रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल पॉइंट को जो x एंड y है. t रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस को जो कि tx एंड ty है एंड इन बोथ पॉइंट्स को जब आप एड अप कर रहे हो तो आपके पास पी प्राइम कंप्यूट हो रहा है जो आपके पास न्यू ट्रांसलेटेड पॉइंट है. सो पी इज एक्स वाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड टी इक्वल टू टी एक्स टी वाई. सो पी प्राइम की जब आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो सो पी प्राइम इज इक्वल टू पी प्लस टी. सो पी में आपके पास एक्स है सो जब आप एक्स को यूज कर रहे हैं सो एक्स प्लस टी एक्स एंड आपके पास वाई के अकॉर्डिंगली वाई प्लस ty परफॉर्म करेंगे. सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपके पास इस ग्राफ में ये एक शेप गिवन है. अगर आप इस शेप पे देखें तो आपके पास इस शेप में वन पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट. इसी तरह से शेप में भी फाइव पॉइंट है बट आपके पास ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट है. अब इसमें हमारे पास फाइव वर्टिसेस हैं अगर हम काउंट करें. सो फाइव वर्टिसेस को ट्रांसलेट किस तरह से किया जाएगा, जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है जो कि मैंने 2-1 रिप्रेजेंटेशन कर दी. एंड टी एक्स इक्वल्स टू 2 ट्रांसलेशन डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड टी वाई ने ट्रांसलेशन डिस्टेंस ट्रैवल करना है 3. सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स प्लस टी एक्स एंड वाई प्लस टी वाई. सो अगर हम जस्ट इस पॉइंट को कैलकुलेट करें तो आपके पास 2x है एंड 1 आपके पास y है. सो x प्लस tx 2 प्लस 2 बिकम्स 4. आपके पास
एक्स प्राइम की वैल्यू 4 बन जाएगी एंड आपके पास वाई प्राइम की वैल्यू भी 4 बनेगी एस वाई 1 प्लस टी वाई इज 3। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये ट्रांसलेट होगा जहाँ पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 4 है। सो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट पे भी 4 है एंड वाई पे भी 4 है। सो एज इट इज आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास 5 वर्टिसेस हैं। सो जिस तरह से हमने फर्स्ट वर्टेक्स को ट्रांसलेट किया इसी तरह से हम ये सेकंड वर्टेक्स चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 2.5 है। सो आपने 2 में ऐड करना है 2, ठीक है, 4 आ जाएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 2.5 है उसमें आपने ऐड करना है 3। सो इट्स बिकम 5.5, ठीक हो गया। बट आपने ये अगर देखा हो कि हमारे पास x ओरिजिनल पॉइंट्स तो चेंज हुए हैं बट हमारे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे। आपने हर वर्टेक्स के लिए ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस सेम रखने हैं क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस सेम नहीं रखेंगे तो आपके पास जो भी इस शेप की शेप होगी आपके पास वो डीफॉर्म हो जाएगी। सो एज इट इज आपको ये 5 वर्टिसेस जो गिवन है आपने इनको इक्वेशंस में वैल्यूज पुट अप करके न्यू पॉइंट्स ट्रांसलेटेड पॉइंट्स ड्राइव करने हैं एंड देन आपको शेप रीड्रॉ करनी है। सो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस तरह से आप ट्रांसलेशन परफॉर्म करोगे बट ये रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने ये याद रखना है क्योंकि रिजिड बॉडी में आप शेप को डीफॉर्म नहीं करते हैं।